नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। निम्बाहेड़ा नगर पालिका पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में आज निम्बाहेड़ा हुआ बंद। सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर दिखाई दिए ताले। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में कल भाजपा पार्षद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भाजपा ने बंद का आह्वान किया था। उसी सिलसिले में आज सुबह से निम्बाहेड़ा शहर की अक्सर दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रहे। आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व सांसद श्री चंद्र कृपलानी ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कल बयान दिया था, जिसमें कृपलानी ने बंद का आह्वान करते हुए कहा था कि एक चोर को पकड़कर थाने में ले जाने का इनाम एक जनप्रतिनिधि को यह मिलता है कि उसी पर शांति भंग का आरोप लगाकर उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर राजनीतिक दबाव में जमानत लेने अधिकारी मौके से गायब होकर अपने फोन तक बंद कर लेते हैं। इसी अन्याय के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल निम्बाहेड़ा बंद का आह्वान किया गया है। अतः सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह है कि इस अन्याय के विरोध में अपने प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे तक बंद कर निम्बाहेड़ा बंद में सहयोग प्रदान करें। श्री चंद्र कृपलानी के इस आह्वान पर आज निम्बाहेड़ा में बंद का असर दिखाई दिया। शहर की बंद हुई दुकानों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में मोर्चा संभालते हुए पुलिस उप अधीक्षक आशीष चौधरी, सदर थाना CI फूलचंद टेलर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने शहर भर में गश्त लगाई। सेफ न्यूज लाइव के लिए निम्बाहेड़ा से SP सुखवाल की एक स्पेशल रिपोर्ट। शाम को बसंती लाल जी जैन वकील साहब के मकान पर एक मोटरसाइकिल चोर को बसंती लाल जी के लड़के राजेश ने पकड़ा और वो भागा, वहां से मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, फिर मोटरसाइकिल छोड़ के भागा, पीछा करके पकड़ा और चोर को वहां पब्लिक वहां पर इकट्ठी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मयंक अग्रवाल और उसके 2-3 दोस्त वहां पर निकल रहे थे। उन्होंने उनको रोक कर पूछा क्या मैटर है। उन्होंने कहा भाई इस तरह की चोरी करके पकड़ा था, उन्होंने कहा इसको मारो मत, मैं इसको साथ ले जाता हूँ और साथ ले जाके थाने में छोड़ देते हैं। मोटरसाइकिल में चोरियां बहुत हो रही है। वो मोटरसाइकिल चोर को यहाँ पर लाया और जैसे ही उसने यहाँ पर मोटरसाइकिल चोर को गाड़ी से उतारा और मयंक अग्रवाल नीचे उतरा और उस समय यहाँ पर पुलिस वालों ने पकड़ के उसको थाने में बिठा दिया। हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी साहब से मैंने बात की, SP साहब से मैंने निवेदन किया, CI साहब से मेरी बात थी कि इसको आप छोड़ दो, क्योंकि जो चोर को पकड़ के लाया उसको क्यों बंद कर रहे हो? आपको कार्रवाई करनी है तो चोर के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन जो चोर को पकड़ के लाया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं समझ रहा हूँ यहाँ का प्रशासन और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार जब से आई है लगातार राजस्थान में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार की घटना बढ़ रही है। रीट में कितना बड़ा घोटाला राजस्थान में हुआ, अभी छोटी साड़ी में एक सरपंच का संदिग्ध जो हत्या हुई है उसके मुलजिम को अभी तक ही नहीं पकड़ पाए। डोंगला में मंदिर को तोड़ दिया गया। ऐसे बड़े बड़े कांड जो अभी इस राज्य में हुए और आज जो ये हुआ घटना, ये तो शर्मनाक है कि चोर को पकड़ने वाले को सजा दो। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं हमने 107-151 में इसकी हम जमानत ले रहे हैं और जमानत लेके छोड़ देंगे। हमने तो भी माना, चलो कोई बात नहीं, आपने कागज भी लिख दिया तो तब भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और कांग्रेस पार्टी के दबाव में SDO और तहसीलदार दोनों को इन्होंने यहां से हटा दिया, तहसीलदार को भी गायब कर दिया और मैं कह रहा जमानत ले रहे। और आज मैं निम्बाहेड़ा की जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि कल अगर आप चाहते हो निम्बाहेड़ा में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, निम्बाहेड़ा में भविष्य में चोरियां नहीं हो, निम्बाहेड़ा में शांति रहे, तो आप कल निम्बाहेड़ा बंद में आह्वान में हमारा सब साथ देना। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आह्वान कर रही है, कल निम्बाहेड़ा शहर बंद रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तब तक आंदोलन करेगी जब तक चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ढंग से काम नहीं करेगा और विशेष रूप से मयंक अग्रवाल जैसे निर्दोष लड़के को जिसने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ चोर को पकड़ के यहाँ पे लाया, उसको जो गलत सजा दी गई, जो उसमें जिस पुलिस वालों ने इसको सजा देने का प्रयास किया उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर